समय था जब घर के सबसे कमजोर बेटे को खेतिहर बना दिया जाता था, लेकिन अब ये बीते जमाने की बात है, क्योंकि आज के जमाने में खेती का सिकंदर बनने के लिए खेती के ज्ञान और विज्ञान के साथ कदम मिलाकर चलना जरूरी है। कुछ इसी तर्ज पर नासिक के डिंडोरी तालुके में आज यह संस्था किसानों को मुनाफा बढ़ाने और खर्च घटाने का फॉर्मूला सिखा रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी खेतों में अच्छी उपज के लिए पानी मिलना सबसे बड़ी मुश्किल बना हुआ है। भारतीय खेती पूरी तरह सही मायने में भगवान भरोसे ही रहती है। भगवान भरोसे मतलब मानसून की बारिश के भरोसे, और जो किसान सिर्फ बारिश के भरोसे खेती करते हैं उनका हाल बेहतर शायद ही हो पाता है। इसलिए जब हम ढिंडोरी के इस आश्रम में पहुंचे तो खेती पर ढेर सारे काम कर रहे इस आश्रम में सबसे सुखद प्रयास हमें जल संरक्षण पर ही देखने को मिला। यहाँ पर रेन हार्वेस्टिंग का पूरा एक मॉडल जैसा ही बना है। यहाँ पर अलग अलग हमारा जो सेक्शंस है, हमारा निवास स्थान है, शेड से गौशाला का शेड से प्रशिक्षण शेड से सबको हमने कनेक्ट करके एक 8 इंच के पाइप से इधर डायरेक्टली पॉन्ड्स में वो ग्रेविटी के हिसाब से यहाँ पर लाइन डाली है। तो करीब 1 साल में 1 करोड़ लीटर पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से इस पॉन्ड में आता है। 25 लाख लीटर का ये उसकी कैपेसिटी है। ये पूरा भरने के बाद अलग जगह पर हमारा एक पॉन्ड है, उसमें हम ये शिप करते हैं। तो 3.25 करोड़ लीटर का पॉन्ड से उसमें हम शिप कर लेते हैं। तो अगर ज़्यादा पानी हो गया तो जो हमारा पुराना जो बंद हुआ जो बोरवेल है उसमें भी हम ये पानी डालते हैं। दो बड़े तालाबों में पानी बचाना और फिर ड्रिप इरिगेशन और रेन इरिगेशन जैसे अत्याधुनिक साधनों का प्रयोग करके पानी का अधिकतम प्रयोग करना। इस आश्रम में करीब 8 लाख रुपए की लागत से एक ऑटोमेशन सेंटर भी तैयार किया गया है, जहां से कई दिनों के लिए सिंचाई की प्रोग्रामिंग की जा सकती है। मतलब जिस खेत को जितनी जरूरत है वो इसमें भर दीजिए, पानी अपने आप वहाँ सही मात्रा में पहुँच जाएगा। आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी इसे चला सकते हैं। यहाँ का हमारा 12 एकड़ का ऑटोमेशन प्लांट लगा है। यहाँ पे सब फसल को पानी कैसे देने का यह प्रोग्राम रहता है। हर वाल को यहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, किधर पानी कैसे भेजने का यहाँ से सब सिस्टम है, यह सिस्टम से सब काम होता है। मान लो एक 10 दिन का आगे का प्लानिंग जो है पानी देने का, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये प्रोग्राम रख के सब हम बाहर भी गए किधर तो मोबाइल से भी ऑपरेट कर कुछ कर सकते हैं। खेती का आधार यानी पानी के बेहतर इस्तेमाल के बाद अब चलते हैं यहाँ चल रही किसानों के फायदे की दूसरी कक्षा में। इसमें किसानों को ऐसी खेती के गुर सिखाए जाते हैं जिसके लिए न जमीन चाहिए और न ही हल बैल या ट्रैक्टर। ये खेती घर के अंदर या किसी झोपड़ी में भी की जा सकती है और शानदार मुनाफा कमाया जा सकता है। ये खेती है मशरूम की, और आश्रम का दावा है कि यहाँ किसानों को मशरूम की ब्रीडिंग यानी बीज तैयार करना सिखाया जाता है, जो जानकारी बहुत ही कम जगहों पर उपलब्ध है। धान से चावल निकालने के बाद बचे हुए पुआल से डिब्बे बनाए जाते हैं और फिर उसमें मशरूम की खेती होती है। ये जो ढींगरी के सीड्स है वो इसको उसका प्रोडक्शन सीड्स का प्रोडक्शन और मशरूम का प्रोडक्शन हम लोग दोनों भी या ट्रेनिंग के तौर पर यहाँ से सिखाते हैं। हम लोग फार्मर को जो किसान है उसको पूरा इंडिपेंडेंट सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाते हैं ये इसका मशरूम का ट्रेनिंग देते। अब ये जो साइज का बेड आप देख रहे हैं तो करीब करीब इसमें जो लागत आती है वो 10 रुपये की लागत आती है, और हर 15 दिन के बाद में इसमें से 350 या 400 ग्राम मशरूम निकलते हैं। तो 3 बार जो निकलते 15-15 दिन के गैप से तो 45 डेज में करीब करीब ये 75 रुपीज तक एक किसान को एक फार्मर को इसका एक इनकम सोर्स हो जाता है। अच्छा, मशरूम के अलावा आश्रम में मछली पालन, खासतौर पर एक्वेरियम की मछलियों के बीज बनाने और उन्हें पालने का भी एक ट्रेनिंग सेंटर है। फिलहाल यहाँ केवल गोल्डफिश और फाइटर मछलियों की प्रजातियां हैं, और यहाँ फिशरीज के विशेषज्ञ गजेंद्र के मुताबिक ये केंद्र किसानों के लिए एक बेहतर मौका उपलब्ध कराता है, जहाँ वे 60 से 100 रुपए के निवेश से शानदार कमाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने ये 6 टाइप्स के जो पॉन्ड बने हैं इसमें हम लोग ने मेल टैंक, फीमेल टैंक, चाइल्ड टैंक, ब्रीडिंग टैंक और मेडिकल टैंक ऐसे बनाए हुए। मेल टैंक में हम लोग सिखाते हैं कि फिश में से मेल कैसे पहचाने, फीमेल कैसे पहचाने, ब्रीडिंग सीजन उसका कौन सा होता है और किस टाइप से ये फिश अलग अलग टाइप की फिश ब्रीड होती है, और सेकंड थिंग जब वो फिश को कोई भी अगर बीमारी होती है
तो तीन चार टाइप की बीमारी नॉर्मली पानी में से आती है या फूड में से आती है, और जो भी यहाँ पे लोग आते हैं उनको हम लोग यही दिखाना चाहते हैं कि ये एक बहुत अच्छा, आपके खेती के साथ में अगर आपके पास वाटर रिक्वायरमेंट है, कुछ स्पेस रिक्वायरमेंट है, तो कुछ बहुत कम बजट में आप एक साल या डेढ़ साल में बहुत बड़ा एक छोटा इन्वेस्टमेंट करके अच्छे मायने तक आप फिश या एक्वेरियम फिश ब्रीडिंग आप सीख के, यहाँ से सीख के आप अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी कर सकते हैं। ये 100 रुपीज़ से शुरुआत हो सकता है, हम लोग ने ये 60 रुपीज़ से शुरुआत किया था। आधुनिक तरीकों को सहजता से अपनाने वाले इस आश्रम के संचालक प्राचीन भारतीय शास्त्र के भी ढेरों संदर्भ बेहतर खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक प्रयोग है कि खेतों में अगर एक साथ आम, सागवान और बेंत लगाए जाए तो वहाँ बादल रुक कर बारिश करते हैं। आश्रम का दावा है कि महाराष्ट्र भर में स्थित उसके 1200 केंद्रों पर इस प्रयोग को सफलता मिल रही है। इसी तरह यहाँ किसानों को खेती में वास्तु के महत्व और उस लिहाज से खेतों की तैयारी के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाता है। ऋषियों के प्राचीन परंपरा से वास्तुशास्त्र का खेती में बहुत बड़ा महत्व है, और एक हमने यहाँ पर एक मॉडल बनाया है कि खेत में किसान का घर कहाँ होना चाहिए, वो तो वो यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम के कोने में ये घर होना चाहिए। लेबर का घर कहाँ होना चाहिए, तो वो हमने यहाँ पर रखा हुआ है कि पूर्व और दक्षिण के कोने में लेबर का घर और खेती के जो उपकरण है वो होने चाहिए, और गाय का जो गोठा है वो कहाँ पर होना चाहिए, तो वो उत्तर और पश्चिम के जो कोना है उसमें होना चाहिए, और एक पूरा खेती का जो स्लोप है वो पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर नैऋत्य मानसून से बारिश होती है, तो बारिश का पानी पूर्व या उत्तर की तरफ जाएगा तो खेती के लिए वो अच्छा रहता है। खेत गाय एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। इस सिद्धांत को तथ्य सहित साबित करने वाले इस आश्रम में शुद्ध भारतीय नस्ल की गायों को विकसित करने पर भी काम चल रहा है। ज्यादा बारिश में पैदा होने वाली तैलीय त्वचा की डांगी, कम बारिश वाले इलाकों में पाई जाने वाली लाल कंदारी, गुजरात की गीर, पंजाब की साहिलवाल, राजस्थान की धार पारकर और हरियाणा की राठी नस्लों सहित करीब 14-15 शुद्ध नस्लों की गायें यहाँ हैं, जिनके गोबर से उपले बनाकर भी बेचे जाते हैं। भारत में जितनी भी गायों की नस्लें हैं उसमें से 14-15 नस्लें हमने यहाँ पर रखी है, और उनका हम बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। तो इनमें से गीर, डांगी, लाल कंदार और खिल्लार, होस्टेन, फुले त्रिवेणी, ऐसी कुछ नस्लें हैं जो हमने यहाँ पर विकसित किए हुए हैं। इसमें से ज़्यादा दूध देने वाली जो गिर गाय है वो गुजरात में ज़्यादातर मिलती है। लातूर की लाल कंदार है, और डांगी जो है पहाड़ों पे चढ़ने वाली गाय है, जो नगर अहमदनगर साइट में मिलती है। और उसके बाद ये देवनी गाय, ये भी लातूर में ही मिलती है, ये शुद्ध गोवंश वाली गाय है, जो कि भारत में ग्रामीण इलाकों में ये पाई जाती है। और बछड़ों का वार्ड हमने अलग से रखा है और गाभिन गाय का अलग सा है। गोवंश के खाने के लिए यहाँ एजोला और हाइड्रोफोनिक की खेती भी की जाती है। सब्जियों को सुखाने के लिए आश्रम की बेकार पड़ी वस्तुओं से ये सोलर ड्रायर तैयार की गई है, जो सब्जियों को उनकी पूरी पौष्टिकता के साथ करीब 6 महीने तक सुरक्षित रखता है। और आश्रम के संचालकों के दावे के मुताबिक इस ग्रीन हाउस में 1200 औषधीय वनस्पतियों की खेती भी की जाती है, जिनमें कई तो दुर्लभ प्रजातियां हैं। HIV के इलाज में इस्तेमाल होने वाली नरकया, डायबिटीज के रोगियों के लिए स्टीविया, कैंसर की दवा सप्तरंगी के अलावा कपूर और रुद्राक्ष के पेड़ भी यहाँ मौजूद हैं। गांधी जी गांवों के आर्थिक स्वावलंबन की बात किया करते थे। गाय के दूध से भोजन, उसके गोबर और गोमूत्र से खाद और पेस्टिसाइड, बारिश के पानी से सिंचाई और औषधीय वनस्पतियों से बीमारियों का इलाज, कुछ इसी तर्ज पर यहाँ इस केंद्र को एक इंक्यूबेशन सेंटर कह सकते हैं, जहाँ से प्रशिक्षण पाकर किसान खेती की प्रगतिशीलता के नए आयाम गढ़ रहे हैं। नासिक में डिंडोरी से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।